नमस्कार, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं कक्षा दसवीं का अगला लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर, जो कि है सोशल साइंस का, और हम इसमें बात करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग की, और ये इसका भाग दो है। वी हैव ऑलरेडी लर्न पार्ट वन, और आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक्स पार्ट टू, जो आपकी बुक है सोशल साइंस की। क्लास टेंथ का ये सेशन होगा, और सोशल साइंस का जो भी चैप्टर होता है, वो चाहे इतिहास से जुड़ा हुआ हो या फिर पॉलिटिक्स के किसी ऐसे क्षेत्र से जो हमें बताता है कि इतिहास में राजनीति ने क्या करवट ली थी, इस प्रकार के जो भी वहाँ पर संस्मरण हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, उनसे बहुत कुछ न सिर्फ सीखने के लिए मिलता है, बल्कि ये ऑब्जर्व करने के लिए भी मिलता है कि क्या हम उसमें से ऑप्ट करें ताकि हमारा आने वाला कल बेहतर हो सके, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, ये सब चीज़ें सीखने के लिए जो मिलती हैं। मैं इनवाइट करूंगा श्री पवन कुमार गुप्ता जी को। आप पीजीटी हिस्ट्री हैं केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी में। पवन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल सर। जी तो आपने आपने पार्ट वन पढ़ाया था पावर शेयरिंग का, मुझे याद है, और सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पार्ट वन का आप थोड़ा सा एक रिकैप दिखाएं, ताकि हमें हमारे बच्चों को ये याद रहे कि क्या उन्होंने पढ़ा था और क्या उसके आगे से आज पढ़ने जा रहे हैं। So good afternoon dear learners, और जैसा अभी राहुल जी ने बताया that we have already completed part one of this power sharing. So in a nutshell we can say here that in our previous part we discussed about the case study of Belgium, and students today we are going to learn about the case study of Sri Lanka. After it we will see the meaning of power sharing, and then we will see that what are the needs, why power sharing is needed in any democracy, in any country, and ultimately we will discuss about the forms or types of power sharing. So all these things we are going to learn today. Rahul sir. Right. So ये तो भूमिका हुई, तो मुझे लग रहा है कि अब आगे बढ़ा जाए, so that we should learn something about power sharing part 2. Sure, sure. So students, in previous topic and previous part we discussed about Belgium, right? And in this part you have seen and you have studied about the ethnic composition of Belgium, and in this part you came to learn that how this ethnic composition was one of the causes of the conflicts among the Dutch speaking people and French speaking people. In the same way we also came to know that how the people of Belgium, they sought out a very good method, a very good tactics to solve all these problems, and they sought out all these problems through power sharing. So they formed the different types of government over there. Now students, today we will see the case study of Sri Lanka, right? So what we see it, about the Sri Lanka, that it is the neighboring country of India, and it is an island country, and its population is about 2 crore. It is just same as the population of our state Haryana. Okay. What we see students, that Sri Lanka got its independence in 1948. Why? Because Sri Lanka was also one of the colonies of Britishers, just like India. जैसे इंडिया पर अंग्रेजों का शासन था, उसी तरीके से श्री लंका पर भी अंग्रेजों का शासन था, एंड यू ऑल नो दैट इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, लाइकवाइज श्रीलंका इन 1948. अब क्या हुआ कि वहां पर इंडिपेंडेंस के बाद में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम्स, तो वहां पर जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, उसने 1956 में वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, एंड अकॉर्डिंग टू दोज चेंजेस द सिंगला लैंग्वेज, वहां पर जो सिंगला एंड तमिल, दीज आर टू मेजर लैंग्वेज, लेकिन वहां पर क्या किया गया कि सिंगला लैंग्वेज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड यू ऑल नो व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऐसी भाषा जिसमें वहाँ की गवर्नमेंट के सारे वर्क किए गए,
सारे ऑर्डर्स निकाले हैं, मीन्स द लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, द तमिल लैंग्वेज वॉज डिस्क्रिमिनेटेड। इन द सेम वे द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ऑल्सो मीन्स एस्टेब्लिश द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज टुवर्ड्स द सिंगला पीपल, जो सिंगला स्पीकिंग पीपल थे उनके लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसी, यानी उनको यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट में, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, मोस्ट ऑफ देम वर अपॉइंटेड थ्रू द सिंगला स्पीकिंग पीपल। इन द सेम वे दे ऑल्सो फॉस्टर द बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म को भी बढ़ावा दिया, एंड मोस्ट ऑफ द सिंगला पीपल दे फॉलो द बुद्धिज्म। तो एक तरीके से कहने का मतलब है कि वहां पर सिंगला स्पीकिंग लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया और तमिल स्पीकिंग लोगों को एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया। इसकी वजह से वहां पर बहुत सारे क्लैशेज हुए, और उन क्लैशेज को जानने से पहले आप यहाँ पर देखें कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। तो इसमें हम देखें कि जो सिंगला स्पीकिंग जो लोग हैं, दोज आर इन मेजॉरिटी, एंड अबाउट 74% पीपल आर रिलेटेड टू दिस ग्रुप। द नेक्स्ट ग्रुप इज तमिल स्पीकिंग पीपल, और इनका जो परसेंटेज है श्रीलंका में, दैट इज अबाउट 18%। इनमें भी दो इनके सब ग्रुप्स, नंबर वन श्रीलंकन नेटिव्स, जो श्रीलंका के रहने वाले ओरिजिनल लोग हैं, और जो तमिल लोग, एंड देयर परसेंटेज इज अबाउट 18%। एंड सेकेंड सब ग्रुप इज इंडियन तमिल्स, एंड दीज इंडियन तमिल्स वर मीन्स दे वर ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स टू श्रीलंका एज ए वर्कर्स, एज ए लेबरर्स, पर्टिकुलरली फ्रॉम तमिलनाडु, क्योंकि दोनों जगह अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज बहुत सारे इंडियंस को और तमिल स्पीकिंग लोगों को श्रीलंका में वर्क करने के लिए लेते। तो इस तरीके से, और इनका जो परसेंटेज है, दीज आर नोन एज इंडियन तमिल्स, तो दीज आर 5%। इन द सेम वे वहाँ पर जो तमिल स्पीकिंग जो लोग हैं, दो फॉलो टू रिलीजन्स, सम ऑफ देम आर हिंदूज एंड सम ऑफ देम आर मुस्लिम्स। लाइकवाइज वहाँ पर जो क्रिश्चियंस, तो उनका जो परसेंटेज है, दैट इज 7%। तो यहाँ पर हमने देखा कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन श्रीलंका। तो इसमें हमने देखा कि जो सिंगला स्पीकिंग पीपल हैं, दो आर इन मेजॉरिटी, और उन मेजॉरिटी लोगों को ही वहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया। इससे क्या हुआ, द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेज स्टार्टेड अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स, पर्टिकुलरली बिटवीन द तमिलियंस एंड द सिंगला स्पीकिंग पीपल। तो इस तरीके से वहाँ पर जो उनकी तमिल पीपल, दे फेल्ट देमसेल्व्स डिस्क्रिमिनेटेड, दे फेल्ट देमसेल्व्स एलियनेटेड, उन्होंने खुद को जो है एक तरीके से पाया कि हमारे साथ में भेदभाव किया जाए। तो इस तरीके से दोज पीपल दे स्टार्टेड टू फाइट फॉर देयर ओन कंट्री, फॉर देयर ओन स्टेट, और इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर दे फॉर्म्ड अ ग्रुप, दैट ग्रुप इज नोन एज LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुंडु पिल्ले प्रभाकरन, एट दैट टाइम ही वाज द चीफ ऑफ लिट्टे, इसको लिट्टे भी बोलते हैं, LTTE को। और उनका जो मेन एम था वो क्या था कि किस तरीके से जो यानी कि नए राज्य को, तमिल राज्य को, नई तमिल कंट्री को वहाँ पर श्रीलंका में एस्टेब्लिश किया गया। सो इन दिस वे अ सिविल वॉर स्टार्टेड इन श्रीलंका। एंड व्हाट इज सिविल वॉर, यू ऑल नो अबाउट इट, कि जब कोई भी एक कंट्री में इस तरीके से लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए, वहाँ पर इस तरीके से लड़ाई होने लगे एज दे आर फाइटिंग विद एनिमी कंट्री, सो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज सिविल वॉर। तो वहाँ के जो तमिल लोग थे, दे स्टार्टेड टू फाइट विद देयर ओन गवर्नमेंट। तो इसका आगे चलकर क्या हुआ स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट दिस प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका नॉट ओनली अफेक्टेड द श्रीलंका, बट इट ऑल्सो अफेक्टेड इंडिया टू, इंडियन पॉलिटिक्स टू। अब यहाँ पर क्या था कि जब राजीव गांधी जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंडिया की गवर्नमेंट और श्रीलंका की गवर्नमेंट में पैक्ट हुआ, एंड अंडर दैट पैक्ट
इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, उनकी इंडिया ने अपनी एक सेना भेजी वहां पर श्रीलंका की गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, और जो वहां पर तमिल फाइटर्स थे उनको सप्रेस करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो वहां पर तमिल्स थे दोज बिकेम अगेंस्ट अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट राजीव गांधी। और इसी वजह से एक बार अभी जब राजीव गांधी इलेक्शंस, ड्यूरिंग द इलेक्शंस ही वाज इन श्री पेरुम्बलूर नियर चेन्नई, सो मींस थ्रू अ सुसाइड बॉम्बर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड। So in this way we can see that this plum also affected India. So students, these were two case studies, one was of Belgium and another was of Sri Lanka. Now we come to know about the meaning of power sharing. Aur in dono case studies ke baad mein I think now you can know the meaning of power sharing very well. Right. And what is power sharing? The method by which power is shared, particularly the powers of central government is shared with state government, local self. ki hamare country mein inki 41 years ke baad mein hockey ka olympic mein bronze medal jeeta, to isse bhi hum power sharing ko samajh sakte hain ki ek captain pure match ko nahi jeet sakta. So what the captain did, ही शेयर्ड द पावर्स, उन्होंने जो है अपनी पावर्स को शेयर कर दिए और इस तरीके से एक कर रहे हैं, एक अटैकर हैं, एक डिफेंडर हैं, लाइक सो इन दिस वे। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। सो यू कैन नोट डाउन, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर and here you can note it down. Very first we can see that it is the very spirit of democracy. What does it mean? That in democracy it is necessary that powers should be shared. Power right. sharing hona democracy mein bahut hi zaruri hai. Next thing humne dekha ki if power sharing is there, then it reduces the possibilities of conflicts. And it is very helpful to stop the violence. It is very helpful for the stability of political order in any country. Likewise, it also prevents the will of majority, imposing the will of majority. जैसे हमने श्रीलंका को केस में देखा कि वहाँ पर मेजोरिटी ने अपनी चीजों को वहाँ पर इम्पोज कर दिया, तो इससे भी एक तरीके से प्रिवेंशन होता है. Next thing, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड, लोगों का एक राइट होता है डेमोक्रेसी में कि उनसे कंसल्ट किया जाए कि किस तरीके से उनके ऊपर रूल किया जाए. नेक्स्ट थिंग, इट इज वन टाइप ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स कि वहाँ पर जब लोग सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट दैट इज नोन एज लेजिटिमेट. एंड द वेरी वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ दिस पावर शेयरिंग, that it reduces the burden or the load of the central government. Central government पूरे इंडिया के सारे काम करने पड़ते, तो देखें सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क को बहुत सारा वर्क दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट से. जी, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा वर्क दे दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से. तो इस तरीके से आप देखें कि सबका वर्क जो है वो डिवाइड हो गया, एंड नाउ इट इज वेरी इजी. इसी तरीके से when so many people join the process of government, so new ideas are there, बहुत सारे नए नए ideas आते हैं, so the things can be better over there. In the same way, it is also very helpful to rectify the mistakes and ultimately the unity of the country. So in this way, we can understand that power sharing is very important. Now, students, there is another topic and it is also very important topic. एंड इसमें बस हमको क्या है कि थोड़ा सा देर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, राइट. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द प्रूडेंशियल एंड द मोरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज प्रूडेंशियल, राइट. तो प्रूडेंशियल वर्ड प्रूडेंस से बनता है. तो इसमें क्या होता है कि यानी कि कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन जो सोच समझ कर लिया जाए,
इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी बुराइयाँ क्या हैं, इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस तरीके से सोच समझ कर जो निर्णय लिया जाता है दैट इज नोन एज प्रूडेंशियल डिसीजन। तो देखें कि प्रूडेंशियल रीजन क्या हो गया कि पावर शेयरिंग को बहुत सोच समझ कर पावर शेयरिंग की गई। जैसे अभी हमने पीछे बहुत सारे इसमें देखे कि किस किस तरीके से पावर शेयरिंग इज हेल्पफुल, राइट, दैट्स व्हाई पावर्स हैव बीन शेयर्ड। सो इट इज द प्रूडेंशियल रीजन, सोच समझ कर पावर्स को शेयर किया गया जिससे कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना, यूनिटी बनी, इट इज द प्रूडेंशियल। नाउ मोरल रीजन, तो इसको हम बच्चों एक फैमिली के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि एक फैमिली में क्या है कि एक पेरेंट है, एक फादर है, और उसने क्या किया कि अपनी उस फैमिली की प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांट दिया। क्यों बांट दिया? जिससे कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं, दैट इज द प्रूडेंशियल रीजन। अब देखिए मोरल रीजन क्या है कि उस घर में जो बच्चे रह रहे हैं, अब सपोज दैट वो फादर क्या करे कि अपनी उस प्रॉपर्टी को जो बच्चे रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिसकी देखभाल कर रहे हैं, और वो उस प्रॉपर्टी को उन बच्चों को ना देकर किसी और को दे, तो क्या हो, ये तो गलत हो जाएगा। सो इट इज द मोरल राइट ऑफ द चिल्ड्रन हु आर लिविंग ओवर देयर दैट दे शुड हैव द शेयर इन द पावर, शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो एक तरीके से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ये उनका मोरल राइट है कि उन्हें भी पावर में शेयर मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी में शेयर मिलना चाहिए। सो इट इज द मोरल। ऐसा निर्णय जो सोच समझ कर लिए गए दैट इज द प्रूडेंशियल, और जो मोरल राइट है कि उनको मिलना ही चाहिए, इट इज द मोरल रीजन फॉर द पावर शेयर। नाउ स्टूडेंट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, and this question is what are the four major forms of power sharing? Power sharing ke char major forms or types kaun kaun se hain, and here you can see horizontal, vertical, and the power sharing among different social groups, political parties and social groups. Now we will discuss them one by one, unko hum ek ek karke dekhte hain. To yahan par aap dekhen ki horizontal type of power sharing, and through this picture you can understand very well. So horizontal का मतलब जब power को यानी government के level पर ही कोई भी एक level की government है और उसी government के level पर power को share किया। जैसे for example you can take the example of central government, तो central government को उसकी powers को share कर दिया गया, उसकी powers को भी बांट दिया गया, it is known as separation of powers। इसमें हम देखें कि लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर ही कानून बनाने वाले लोग अलग, एग्जीक्यूटिव्स कानून को लागू करने वाले लोग अलग, एंड जुडिशरी न्याय करने वाले लोग अलग। तो एक ही लेवल पर जब पावर्स को शेयर किया जाता है इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, एंड आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू। स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टाइप इज वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर थ्रू दिस पिक्चर यू कैन अगेन अंडरस्टैंड वेरी इजीली वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, व्हेन द पावर्स आर बीइंग शेयर्ड एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम देखें तो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स को दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स को दे दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मींस जो हमारी मिनिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत हैं। जी, सो इफ वी कंपेयर दिस विद द बेल्जियन केस स्टडी व्हिच वी हैव लर्नड इन पार्ट 1, तो वहां पर एक सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन था जो हमारे यहाँ एज अ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम जिसको कहते हैं, तो वहाँ यहाँ तीन लेयर्स हैं और वो उसमें चार लेयर्स होते थे। तो बिल्कुल राहुल जी आपने बिल्कुल सही कहा, तो वहां पर बेल्जियम में उन्होंने फोर लेवल्स पे गवर्नमेंट को बनाया, पर्टिकुलरली वन गवर्नमेंट वाज इन ब्रसेल्स, जो ब्रसेल्स वहां की कैपिटल है, वहां पर गवर्नमेंट को बनाया, और वहां की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिनको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बोलते हैं, दोज आर मींस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन इंडिया।
So we have already discussed them. Yes. Now we will discuss about the power sharing among the different social groups. So इनमें जो अभी आपने बात की राहुल जी, and that is very correct, and we can take the example again here. तो बेल्जियम में हमने देखा कि वहां पर जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी, राइट, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, डच स्पीकिंग लोग थे, उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी. Yes. और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ के लोगों की कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करती है. तो व्हाट इज दिस, दिस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द गवर्नमेंट. लाइकवाइज वी कैन सी इन इंडिया, राइट. So what you see, class 9th में आपने पढ़ा election वाले chapter में, that so many constituencies are reserved for SC community, ST community, and in the local self government some of the seats are reserved for the ladies. Yes. So ये क्या है? It is also the participation of these groups. Yes. In the government, it is also one type of sharing of powers. Power. Now we will discuss the power sharing among the political parties, right? So political parties के बीच में power sharing कब होती है? आप सभी जानते हैं कि elections के बाद में अगर कोई एक ही पार्टी को majority मिल जाती है, तब तो वही government बना लेती है. जी. लेकिन suppose that एक पार्टी को majority नहीं मिली, तो क्या होता है? They come together, or means different political parties come together, they make an alliance. और कोएलिशन, एक गठबंधन बना लेते हैं, और फिर दे शेयर द पावर्स. बहुत सारे स्टेट्स में आप देखें तो अगर वहां पर कई पॉलिटिकल पार्टी ने अपना कोएलिशन बनाया या अलायंस बनाया, तो चीफ मिनिस्टर को एक पार्टी का, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को एक पार्टी का, इस पार्टी से भी मिनिस्टर्स रख लिए गए कुछ, इस पार्टी से भी मिनिस्टर्स रख लिए गए. मीन्स पावर्स हैव बीन शेयर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टी. राइट. नाउ different types of pressure groups and movements. तो जो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें समझना है what are the pressure groups. तो pressure groups क्या होते हैं और interest groups क्या होते हैं, कि ये लोगों का एक ऐसा group होता है जो कि कोई एक particular issue पर या कोई एक particular मुद्दे पर they come together and they pressurize the government, right, to do something or not to do something. जैसे सपोज दैट गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए, तो क्या होगा कि जो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन है उनका एक ग्रुप वो आगे आ जाएगा और गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करे, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाए टू रिड्यूस द टैक्सेस. सो दिस इज द प्रेशर ग्रुप. और इसी तरीके से मूवमेंट्स, आंदोलन. तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? दे ऑल्सो शेयर द पावर्स. और वो पावर्स को कैसे शेयर करते हैं? कि गवर्नमेंट ने जैसे कोई कमेटी बनाई, कोई कमीशन बनाया, तो इन प्रेशर ग्रुप्स को और इन मूवमेंट्स को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं. एंड दे कैन पुट देयर सजेशंस, दे कैन सजेस्ट द गवर्नमेंट व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू. राइट. सो इन दिस वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. Right. So students, what we learned today, you can see here, we learned about the case study of Sri Lanka. We also discussed about the problems in Sri Lanka. और वो problems क्यों पैदा हैं? क्योंकि वहाँ पर powers को share नहीं किया गया. Then we came to know about the meaning of power sharing, and we learned why power sharing is desirable. And ultimately, we discussed about the four major forms of power sharing. Right. And here are some important questions, and these questions are very important from the point of view of ATMs. And now I think, after watching this part and the previous part, you will be able to write down all the answers. Right. So, आप जल्दी से ये questions read out कर दीजिए पवन जी, because we have hardly 1 minute to conclude this session. Okay, right. So, students, which were the main reasons for the clashes in Sri Lanka? Sri Lanka में उनके बीच में तमिल और सिंगला के लोगों के बीच में clashes के मुख्य कारण क्या थे? Now, how can you say that power sharing is desirable? You have to give the reasons. Next question is,
व्हाट आर द फोर मेजर फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के फोर मेजर फॉर्म्स कौन से हैं, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दैट. द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मेजर रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग. सो टू रीजंस, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल. बिल्कुल, एक बहुत बेहतर तरीके से दूरगामी सोच को विकसित करने का एक बेहतर पाठ मुझे लगता है कि ये होगा बच्चों के लिए. कक्षा दसवीं में वो अभी हैं, इसके बाद कक्षा बारहवीं और फिर उनकी आगे की हायर स्टडीज़ होंगी, तो ये बहुत बेहतर उनका एक कॉन्क्रीट तैयार हो जाएगा जिस पर उनकी एक अच्छी सफलतम इमारत खड़ी होगी. पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये सोशल साइंस का बहुत बेहतर तरीके से, आसान तरीके से सेशन लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका. सोशल साइंस का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है. अभी थोड़ी ही देर में हम फिर हाजिर होंगे अपना अगला सेशन लेकर. कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं. नमस्कार.